बताओ कितनी चाय पियोगे सर? चार। बताओ हमने चार चाय पी ली। अच्छा एक और चाय पी ली। यहाँ पे चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना? ठीक है जाके देखते हैं और क्या कुछ करना है। पहले तो ब्लॉग ही चलेंगे हमारे काफी दिन तक यूट्यूब पर। एक ही व्लॉग डालूंगे, पार्ट कर करके डालूंगे। पार्ट्स चलेंगे ना धीरे धीरे। अच्छा जब ही आप डर लेके थे मैं हूँ एक व्लॉग में इतना मैटर तो लंबा पड़ जाएगा। नो इतना क्यों, 10 मिनट का ये चलेगा। मनाली सीरीज पार्ट 1 फिर पार्ट 2 जैसे-जैसे दिन बता रहे कर रहा हूं। भाई साहब आपको पार्ट 2 नहीं आया? नहीं आया तो पीछे जाना उसके बाद आए देख देख। हाँ दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन के बाद क्या ऐसे रखेंगे ना कि एक महीना खुप जाए उसके बाद फिर नया ब्लॉग बना ही लेंगे हम। उसके बाद हम जो निकल जाएंगे दोबारा फिर कहीं और एक महीने में कहीं और ज्यादा ज्यादा बिल्लू कितने दिन 15 छः महीने जेल से फरार। अभी तो जाती है जो घर वालों को मानना पड़ेगा वो देखो ना कितने 100 रुपये 200 था गए रैम तो नहीं लगते कितने का हमारे भी सुन ले अभी वापिस आते भी रुकेंगे टेंशन नहीं। अरे टेंशन नहीं ले रहा तेरे ऊपर चीज लेके जानी है बैठे हैं ना लेने वाले ऊंचाई पे महंगा हो जाता है कहते हैं इसलिए कहते हैं ऊपर उठो दुनिया वालों ऊपर उठो। चलो जी तो हम कहीं घूम के आए सामने मंदिर है जब तक हिसाब करो मैं आया 2 मिनट पे आ रहा हूँ मैं सुन लो आ रहा हूँ। चलो जी आना बिल्कुल नहीं करना मजाक। चलो जी तो हम मंदिर घूम के आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर पता लगा है जो कि ये रहा सामने। ठीक है ये सामने है यहाँ चलते हैं हनुमान जी के मंदिर तक होके आते हैं। अभी तक हम किसी टेंपल में गए हिडिंबा टेंपल में गए थे लेकिन अंदर क्योंकि भीड़ थी वहाँ पर तो जा नहीं पाए थे मनाली में। ये रोहतांग पास है तो यहाँ टेंपल देखते हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ही ठंडी मतलब कैप लगाना ना कैप मैंने सही किया ले लिया टाइमली। अगर कैप नहीं लेता ना तो कसम से बहुत ज़्यादा मतलब ना बुरी हालत हो जाती। मैंने खैर खाया पिया ज़्यादा नहीं है एक कप चाय लिया और एक दो पकौड़े खाए हैं क्योंकि मुझे फिर वॉमिटिंग की वेदर की वजह से ना प्रॉब्लम हो जाती है ठंड की वजह से तो वो इशू ना हो और मैं अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ और ख़ुद भी इंजॉय कर पाऊँ। तो यहाँ अभी हम जा रहे हैं टेंपल आपको दिखाते हैं। टेंपल के बिल्कुल पास आ गया हूँ मैं। ये है टेंपल ये देखो जी ये टेंपल आ गया। चारों तरफ देखो कैसा लग रहा है ये फॉग ही फॉग पूरा। ये नीचे मार्केट है यहाँ पर लोग रुकते हैं। ये स्टॉप पॉइंट है मार्ची अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ऊपर देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी भी तो ऊपर से काफ़ी मतलब पैराग्लाइडिंग चल ही रही है हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आ ही रहे हैं। तो ये हम टेंपल पहुंच गए हैं। ये हमने बजाया घंटी और हम ये चल पड़े पहाड़ों में। ये आ गए हम देखो जी ऊपर ये मंदिर है। ये छोटी बच्ची हेलो क्या नाम है आपका? पीहू। कहाँ से आई है पीहू? कहाँ से आई है घर से? आई डोंट नो।
दिल्ली से बताओ, गुम हो जाएगी तो क्या बताएगी। चलो जी, ये मंदिर है, अंदर काफी सारी चीजें रखी हुई है। देखो खुद चक्कर आते हैं। हेलो 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 हेलो, माय फोन नहीं करना स्माइल करके। अच्छा क्या नाम है, इधर आ जाओ। किसका नाम अंशुल है? मेरा नाम अंशुल है। क्या करता है अंशुल? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 10th में। ओके, अभी 10th में गए हो, ठीक है। और आप? शुभ क्या करता है? टेंथ में ही, तो टेंथ वाले बच्चे आते हैं यहाँ पर। कौन से स्कूल में? अभी मैं तो एमएम पब्लिक। आया भाई तू एमएम कहाँ पर? दिल्ली एमएम पब्लिक। और यहाँ घूम के कैसा लगा? कितने दिन हो गए आते हुए यहाँ पे, अब मतलब आए हुए? एक दो दिन हो गए। तो पहले कहाँ गए थे? पहले हम सोलांग वैली गए थे। सोलांग वैली कैसा लगा वहाँ जाके? अभी हम जाएंगे सोलांग वैली। अच्छा था घूमने में। और क्या यहाँ इंटरेस्टिंग क्या लगा, डिफरेंट? टेम्परेचर अभी सही लग रहा है इनका यहाँ, ठंडा है ना। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है ना। कितना है वहाँ पे? लगभग 60 हो गया। 45। अरे वाह, मतलब गजब है। यहाँ 50 टच कर चुका है, तो वैसे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो कितनी फ्रेश एयर है ना कि नहीं? तो यहीं बस जाओ, क्या करोगे जाके वापस? ऐसा मन है ना, मतलब पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कभी आओगे। कौन कौन आया है? सारे एक ही फैमिली है? सारी फैमिली, एक ही फैमिली है। चलो जी, बढ़िया, मजा आया ना घूम के। ये देखो इतने बड़े झुमके कहाँ से पहने मैडम आपने? यहीं से परचेज किया। कितने के मिले? ये 150 रुपए। 150 रुपए के मिले? तो दिल्ली में नहीं मिलते ऐसे? दिल्ली में तो बहुत कुछ मिलता है। दिल्ली में मत, जो यहाँ है वो दिल्ली का, यहाँ की रीस नहीं है। तो पहली बार आए आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा आके यहाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घूमने के लिए तो फिर दोबारा कब दिन को भाई साहब को तंग करना है? चलिए ठीक है सर, ओके। तो चलिए जी, दिल्ली से भी यहाँ लोग आए हुए हैं घूमने। ये मेरे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, फोटो क्लिक कर लो। उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग देखोगे। और मैं एक और नए हाई पीक पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। ये देखो जी, पहाड़ों के बीच में ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। मतलब एक ये ऐसा लोकेशन बना हुआ है जहाँ पर आप खड़े होकर फोटो करा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, रील बनवा सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, सबसे ज़बरदस्त। तो बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस बार एक्चुअली में वेदर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि आप ट्री लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, वही यहाँ का सोल्यूशन हो सकता है। बाकी देखते हैं कि हम और आगे कहाँ तक पहुँचते हैं।